नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। मेरी तरफ से 17th रिपब्लिक के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जीके फॉर एग्जाम का ये 59 पार्ट है और वर्बल जीके विद ट्रिक का ये 4th पार्ट है। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं, उनको याद करने के लिंक पर मेथड पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आता है तो अब क्या करें, हमें याद तो करना ही है कैसे भी करें, कि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई। ऑप्शन है सूरत, मुसलीपट्टनम, हुगली, कालीकट। तो हमारा जो आंसर है वो सूरत है। हम याद कैसे करें उस पर आते हैं कि जब हम ये तो जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उन्होंने फैक्ट्री खोली थी। अब क्या है कि उनको हर हालत में बिजनेस करना था, आप ये सोचें। तो हम एक छोटी सी लाइन याद कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने हर सूरत में भारत में फैक्ट्री लगानी थी। हर हालत की जगह हर सूरत में कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने हर सूरत में भारत में फैक्ट्री लगानी थी। सूरत मतलब सूरत को डिनोट करता है और फैक्ट्री फैक्ट्री को डिनोट करता है। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ध्यान से सुने कि संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत का याद रखें, संस्कृत का, न कि फारसी या जो दूसरी लैंग्वेज थी, भाषा थी, कि संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत खतरनाक ऑप्शन है, सांची में, गिरनार में, लुबिनी में, सारनाथ में। इन जगह पर अभिलेख मिले हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हमारा आंसर क्या है, वो है गिरनार में। याद कैसे करें उस पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, संस्कृत काफ़ी मुझे तो अच्छी नहीं लगती, पढ़ने में भी मुझे आती भी नहीं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कि संस्कृत का अभिलेख देखकर, सुनकर नहीं, संस्कृत का अभिलेख देखकर गिर गई ये नार। संस्कृत का अभिलेख सुनकर गिर गई ये नार। गिरनार कहाँ, किसको डिनोट करता है, गिरनार को डिनोट करता है। उसके बाद जो प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। तो हमारा जो आंसर है वो हैदराबाद है। तो एक बात और ध्यान सुने कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। और हमने याद कैसे किया था कि राष्ट्र की पुलिस की भी हद है रे, राष्ट्र की पुलिस की हद है रे, बाद में आकर काम करती है, बाद में आती है, ऐसे कर सकते हो। तो हद है रे बाद में आती है, हद है रे बाद, इसको एक साथ पढ़े तो हैदराबाद बनता है। और स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि राष्ट्र की पुलिस की हद है रे, तो राष्ट्रीय पुलिस वहां से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को डिनोट करता है। तो इसका आंसर भी हैदराबाद है और उसका आंसर भी हैदराबाद है, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, एक तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, दूसरा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। तो एक लाइन फिर बना देते हैं कि राष्ट्रीय पुलिस की भी हद है रे, बाद में आकर राष्ट्र के, राष्ट्र की कृषि के जो साधन हैं उनको भी नहीं छोड़ा। राष्ट्र की पुलिस की हद है रे, बाद में आकर कृषि के जो साधन हैं उसको भी नहीं छोड़ा। कृषि यहाँ कृषि को डिनोट करता है, साधन यहाँ अनुसंधान को डिनोट करता है, राष्ट्र यहाँ राष्ट्रीय को डिनोट करता है। देखो दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें कि किसके शासन काल के दौरान हेनसांग भारत भ्रमण के लिए आया था, भारत भ्रमण पर आया था। अब ऑप्शन सुने, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, अकबर। अब देखो दोस्तों, कंफ्यूजन मैं बताऊंगा आपको कहां पर आ सकती है आपको, कि चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर है या हर्षवर्धन, क्योंकि दोनों के काल में आए थे। तो हमें यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर है हेनसांग। याद कैसे करें उस पर आते हैं। एक बात और इसके ट्रिक बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आपको ये याद करना है कि चीनी यात्री भारत में जो आए थे उनका क्रम क्या था, पहले कौन आया था, तो आप एक छोटी सी लाइन याद रखें, एक बात को याद रखें कि जो भी चीन से आया था भारत में उनको फांसी हुई थी। भारत भ्रमण के लिए जो भी चीनी यात्री आए थे उनको फांसी हुई थी। आप फांसी हुई को याद कर ले, फैसे जो सबसे पहले आया वो आया था फाहियान, फैसे फाहियान, फिर फांसी हुई, तो सै से क्या आया, सुयुगन, उसके बाद है से आया हुएनसांग, उसके बाद आया इत सिंह, फांसी हुई,
हम इसको याद कर लेते हैं केवल फांसी हुई। अब आते हैं हम दोबारा हमारे क्वेश्चन पर कि किसके शासनकाल के दौरान हिंसांग भारत भ्रमण पर आया था, वो हर्षवर्धन के काल पर आया था, याद कैसे करें, उस पर आ जाते हैं कि देखो हर्ष का मतलब क्या होता है, खुश होना, हंसना। तो हर्ष होकर वृद्धजन मतलब हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कि हर्ष होकर वर्धजन सांग सुनने भारत आए। सांग क्या है, हरियाणा का लोकगीत कह सकते हैं कि क्या है सांग। तो हर्ष होकर वृद्धजन सांग सुनने भारत आए थे, और सांग यहाँ हिंसों को डिनोट करता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं बीच में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सांग एक ही चीनी यात्री के पीछे लगता है। फिर भी देख लेते हैं कि हर्ष होकर वृद्धजन हेमा का सांग सुनने यहाँ आए थे, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, एवरेस्ट शिखर पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष प्राप्त की गई थी। तो देखो दोस्तों, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपने ना तो कभी पीछे देखा होगा हिस्ट्री में, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाई है। तो ये जो भी जीके की ट्रिक है, बाद में हो सकता है कि हो आ भी जाए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि देखो दोस्तों, यदि आपकी जीत है तो मेरी है, अगर आपकी हार है तो मेरी हार है, मैं ये सोच कर चलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल के थ्रू याद करे उसको याद रह जाए, हर हालत में याद रह जाए। बस एक साल, मैं चाहता हूँ कि एक साल तक जुड़े रहे, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है कि एवरेज शिखर पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष प्राप्त की गई, तो हमारे ऑप्शन है 1948, 1953, 1955, 1957। तो हमारा जो आंसर है वो है 1948, याद कैसे करें, उस पर आते हैं। तो एक बात याद रखें कि सर्वप्रथम क्वेश्चन क्या था कि एवरेस्ट शिखर पर सर्वप्रथम विजय किस वर्ष प्राप्त की गई थी। तो एक बात याद रखें कि जो एवरेस्ट पर चढ़ा था उसको एक डिजीज हो गई, एक बीमारी हो गई, जो कि एड्स थी, बस इतना याद रखिए। अब क्या है, ए का स्थान कहाँ पर आता है, अल्फाबेट आप देखते हैं, जैसे कि ए का स्थान का जो स्थान होता है वो एक होता है, तो हमने क्या कर दिया, एक, एक मतलब ए, नो, नो ऊपर 1948 हमारा आंसर था, नो के स्थान पर क्या आता है, नो के स्थान पर क्या आता है, तो आई आता है, तो मतलब आई, और डी, और चार के स्थान पर क्या आता है, डी आता है। अब यहाँ लास्ट में क्या आता है कि आठ के स्थान पर एच आता है, लेकिन इससे तो इट्स की स्पेलिंग नहीं हुई। तो हम फिर देख लेते हैं जो लास्ट का जो है एच, उसका जो अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एस। अपोजिट का मतलब कि जैसे ए का स्थान एक है आगे से, जेड का स्थान पीछे से एक है, बी का स्थान दो है आगे से, पीछे से वाई का स्थान दो है, ऐसे ही एच का स्थान पीछे से आगे से आठ है, तो पीछे से आठ का आठवां स्थान किसका होता है, एस का होता है। ऐसे आप एड्स को याद करें, 1948 आपको याद आ जाएगा। यदि आपको ये अल्फाबेट भी याद नहीं है तो उसकी मैंने वीडियो डाली तो है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको अल्फाबेट भी याद करनी है, रीजनिंग भी याद करनी है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। जैसे कि वैसे मैं इसमें बता देता हूं, थोड़ा फास्ट वे में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी। ए का अपोजिट जड होता है, हम इसको आज से याद कर सकते हैं, आज ए से जड, आज। बी का अपोजिट वाई होता है, इसको हम वाई से याद कर सकते हैं। बी के बाद सी, सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको हम कक्स से याद कर सकते हैं, कक्स। डी का अपोजिट डब्लू होता है, इसको हम डब्लू डीजे वाले याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट वी होता है, इसको हम ईव से याद कर सकते हैं। एफ का अपोजिट फ्यू होता है, यू होता है, फ्यू से याद कर सकते हैं। एफ जी का अपोजिट टी होता है, इसको हम जी टी रोड से याद कर सकते हैं। जी एच का अपोजिट एस होता है, हम हाई स्कूल से इसको याद कर सकते हैं, हाई स्कूल। जी एच आई, आई का अपोजिट आर होता है, इसको हम इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं। जी एच आई जे, जे का अपोजिट क्यू होता है, इसको हम जयपुर क्वीन से याद कर सकते हैं। जे के का अपोजिट पी होता है, इसको हम काला पानी से कर सकते हैं। के एल, एल का अपोजिट ओ होता है, लो से हम इसको याद कर सकते हैं। एल एम, एम का अपोजिट एन होता है, इसको हम महानगर से याद कर सकते हैं। ये पूरे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे।
बिल्कुल आसान सा था, हमें आधे आगे तो आधे अपना पा जाते हैं। तो हम कैसे याद करें इसको, 1948 संस्वर था, तो एक मतलब एड्स हुआ था, आई इसका मतलब नौ और ए डी का मतलब चार और वो आठ होता है, आठ का मतलब, लेकिन हमने अपोजिट लिया है लास्ट का जो है हाई स्कूल, मतलब एड्स हुआ था। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार दो बार कौन रहा था, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार दो बार कौन रहा था। आपका जो ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी वी गिरी। इस ऑप्शन भी खतरनाक है कि राष्ट्रपति रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हम याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं कि बहुत एस की राधा और कृष्ण ने, राधा कृष्ण हम जानते हैं भगवान को, कि बहुत एस की राधा कृष्ण ने दो बार राष्ट्रपति बनकर, बहुत एस की राधा कृष्ण ने, बहुत एस एस यहाँ पर एस से डिनोट करता है और राधा कृष्ण राधा कृष्णन को डिनोट करता है, बहुत एस की राधा कृष्ण ने दो बार राष्ट्रपति बनकर, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नाम दफा नेशनल पार्क है कहाँ पर है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण का देखो क्वेश्चन क्या था कि नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो अरुण का जो नाम है, अरुण का नाम दफा कर दिया, दफा कर दिया मतलब निकाल दिया, अरुण का नाम दफा कर दिया इस नेशनल पार्क से, तो वह अपने प्रदेश को चल गया। अब देखो देखो जो प्रदेश है यहाँ प्रदेश को डिनोट करता है, अरुण यहाँ पर अरुण को डिनोट करता है, नाम दफा, तो नाम दफा यहाँ पर नाम दफा नेशनल पार्क को डिनोट करता है कि अरुण का नाम दफा कर दिया नेशनल पार्क से, नेशनल पार्क को डिनोट करता है। इससे हमें डिकोड हो जाता है, लिंक हमें बन जाता है, हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे। ऑप्शन है कि सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, भगत सिंह। तो इसका जो आंसर है वो राम प्रसाद बिस्मिल है। एक सिंपल सी लाइन से ही मैंने इसको याद किया था कि एक लाइन पढ़ लेते कि राम का प्रसाद लेकर बिस्मिल ने ट्रेन को लूटा। राम का प्रसाद लिया, राम प्रसाद बिस्मिल आ जाता उसमें कि राम का प्रसाद लेकर ट्रेन को लूटा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है। रणथंभौर निम्न में से किन जानवर के लिए संरक्षित है, सिंह मतलब शेर, हिरण, बाघ, भालू। तो हमारा जो आंसर है वो है हिरण। हम याद कैसे रखें, क्योंकि बहुत से नेशनल पार्क है संरक्षित है कई जानवरों के लिए है, जैसे कि काजीरंगा है, एक सिंह के जो गैंडा होता है उनके लिए संरक्षित है, तो उसको कैसे याद करें, तो ये कैसे याद करें कि रणथंभौर निम्न में से किन जानवर के लिए संरक्षित है। तो हमारा आंसर था हिरण। तो आप ये चारों ऑप्शन देखें एक बार, तो यदि आप आगे रन के आगे ही लगा दे तो हिरण बन जाता है। आप ध्यान से देखें कि रणथंभौर में ही रे के आगे ही लगा दे तो हिरण बन जाता है, एक क्या है जो मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है हिरण। और बाकी को आप लगाएंगे तो सी लगा दे तो सीरन नहीं बना, बाघ को लगा देंगे, बे लगा देंगे तो नहीं बनेगा भरण, नहीं बनेगा, और बे लगा देंगे जब भी नहीं बनेगा भरण, मतलब ही लगाएंगे तो हिरण बन जाएगा। मतलब ये रणथंभौर जो नेशनल पार्क है या निम में से किस जानवर के लिए संरक्षित है वो हिरण के लिए है। वैसे हिरण के लिए सरसिका भी है, लेकिन इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्या है रणथंभौर किसके लिए संरक्षित है, हिरण के लिए। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं सीखा गया आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बात और मैं छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ, यदि आपका किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि काफ़ी टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि टीचिंग करते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखना है, उसके पीछे आप मेरा नाम या ब्लेसिंग लिख सकते हैं। यदि सर्च में यदि आप चाहें तो सर्च में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यदि आपको मैथ में दिक्कत है, मैथ लिखकर आप पीछे मेरा नाम या ब्लेसिंग नाम लिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके समाधान के लिए मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस विषय पर हमारे दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा, आपको इस आपकी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।